न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अपनी अदाकारी से सबको रुलाने वाले दिलीप कुमार आज सबको रुलाकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बड़ी खबर यह है कि दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। उनके ट्विटर हैंडल से उनके परिजनों ने ट्वीट कर इस दुखद खबर की जानकारी दी है। फैजल फारूकी, जो कि उनके पारिवारिक मित्र भी रहे हैं, उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया। बहुत गम और भारी दिल से मैं ये बता रहा हूं कि हमारे प्रिय दिलीप साहब का कुछ मिनट पहले निधन हो गया। हम ईश्वर की तरफ से आते हैं और उसी की तरफ वापस लौट जाते हैं। फैजल फारूकी, जो कि पारिवारिक मित्र भी हैं, उन्होंने दिलीप कुमार साहब के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। हालांकि दो दिन पहले ही इनके ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया गया था और उसमें इस बात की जानकारी ये दी गई थी कि अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। पिछले 8 दिनों से ICU में भर्ती थे और जो कंडीशन इंप्रूव हो रही थी उसके आधार पर उनके परिजनों ने भी उम्मीद जताई थी कि हो सकता है कि दिलीप कुमार साहब जल्द ICU से बाहर आ जाएं, एक बार फिर से हंसते मुस्कुराते उनकी कोई तस्वीर सामने आ जाए। इससे पहले जो एक ट्वीट और किया गया था, जो पिंक शर्ट उनको काफ़ी पसंद थी, वो पिंक शर्ट में भी एक तस्वीर उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई थी, तो ये यादें हैं। लेकिन अभी की जो बुरी खबर है, अब से थोड़ी देर पहले उनके ट्विटर हैंडल से फैजल फारूकी, जो कि पारिवारिक मित्र हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। बहुत गम और भारी दिल से मैं ये बता रहा हूं कि हमारे प्रिय दिलीप साहब का कुछ मिनट पहले निधन हो गया। हम ईश्वर की तरफ से आते हैं और उन्हीं की तरफ वापस लौट जाते हैं। फैजल फारूकी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ठीक सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली दिलीप कुमार ने। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में जन्म हुआ था। स्वतंत्रता के पहले तब ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान में ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर थे दिलीप साहब। जब अदाकारी वो करते थे सैड मोमेंट पर जो लोग उनकी फिल्में देख रहे होते थे, फिल्में देखकर वो रो दिया करते थे। लेकिन आज की जो सुबह है वो लोगों को रुलाने वाली सुबह साबित हुई है। 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है दिलीप कुमार ने। लंबे समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। पिछले 1 महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 5 जुलाई को यानी 2 दिन पहले उनके ट्विटर हैंडल से भी उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया गया। उनकी पत्नी सायरा बानो ने बताया था कि दिलीप साहब की तबीयत में सुधार हो रहा है। लेकिन आज की बुरी खबर यह है कि दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं है। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। 1922 में पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था और जब भी उनकी चर्चा आती है, ये देखिए हाल फिलहाल की कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं। कुछ तस्वीरें उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई थी कुछ समय पहले। जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता था तो उनके हेल्थ पर जो अपडेट दिया जाता था, लगातार आती तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही थी कि तेजी से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। उम्र की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां अपनी जगह थी, लेकिन सांस लेने में भी थोड़ी बहुत परेशानी उन्हें महसूस हुई। और लगातार जैसे ही ये खबर लोगों को मिल रही है, लोग शोक संवेदना अपनी व्यक्त कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी आज थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है दिलीप कुमार के निधन पर। राजनाथ सिंह ने दुख जताया है, दिलीप जी का जाना सिनेमा जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है। राजनाथ सिंह ने ये बातें ट्वीट करके कही हैं। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। जब भी उनकी अदाकारी की बातचीत आती है, ज्वारभाटा की चर्चा होती है, अंदाज, आन, देवदास, आज़ाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति 1981 में फिल्म आई थी, कर्मा, सौदागर समेत करीब 50 से ज़्यादा करीबन 60 फिल्मों में काम किया दिलीप कुमार ने। और अदाकारी की दुनिया में जितने बड़े सम्मान होते हैं वो सारे बड़े सम्मान उनको दिए गए, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड की बातचीत हो। 8 बार बेस्ट एक्टर के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला। हिंदी सिनेमा का जो सबसे बड़ा सम्मान है दादा साहब फाल्के, इससे भी उन्हें सम्मानित किया गया। 2015 में सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। राहुल गांधी ने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि दी है। दिलीप कुमार के परिवार, दोस्तों और चाहने वालों को मेरी हार्दिक सांत्वना। हिंदी सिनेमा में उनका योगदान पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन पिछला जो कुछ समय था वो दिलीप कुमार साहब के परिवार के लिए बहुत बेहतर नहीं चल रहा था, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से उनके 2 भाइयों का इंतकाल हो गया था। 21 अगस्त को 88 साल के असलम का और फिर 2 सितंबर को 90 साल के उनके एक और जो भाई थे एहसान, वो चल बसे थे। और इसी के चलते 11 अक्टूबर को मैरिज एनिवर्सरी होती है दिलीप कुमार साहब की। तब पिछली बार उनके परिवार ने इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि उनके परिवार में इस तरीके की बुरी खबरें सामने आईं। लेकिन साल 2021 में आप देखिए 7 जुलाई आज की तारीख बुरी तारीख साबित हुई है, जब दिलीप कुमार साहब खुद अब इस दुनिया में नहीं है। ये बड़ी और बुरी खबर इस वक्त की। और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंच रही है, लोग शोक मग्न हैं, लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके
भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, अपनी श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया आपसे थोड़ी देर पहले और इस बात का जिक्र किया कि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, पीढ़ियां उनसे हमेशा प्रेरित होती रहेंगी। शोक की लहर है और जैसे ही अलग अलग हस्तियों को, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को उनके निधन की जानकारी मिल रही है, लोग अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। दो दिन पहले ही उनके हेल्थ को लेकर अपडेट आया था और तब शायद एक उम्मीद जगी थी उनके प्रशंसकों में कि जब हेल्थ में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो हो सकता है दिलीप कुमार साहब पिछले कुछ बार की तरह एक बार फिर अस्पताल से अपनी जंग जीतकर वापस लौट आए। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में उनका जन्म हुआ था, पढ़ाई उन्होंने नासिक में की थी। राजकुमार के दोस्त वो बचपन में ही बन गए थे और वहीं से एक तरीके से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत भी हो गई थी। 1944 में उन्होंने फिल्म ज्वारभाटा में काम किया था, लेकिन तब इस फिल्म की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। 5 दशक तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। वो हमेशा इस बात में विश्वास रखते थे कि फिल्में ज़्यादा ना हों लेकिन फिल्में कम हों, बेहतरीन फिल्में हों, बेहतरीन रोल हो, वही वो फिल्में करना चाहते थे। कई फिल्मों के ऑफर को उन्होंने ठुकरा भी दिया था क्योंकि लगातार वो इस बात की चर्चा करते थे। जब लोग उनसे पूछते थे कि आपने इस फिल्म को ठुकरा क्यों दिया, वो कहते थे कि फिल्में कम हो लेकिन बेहतर हो। इस वक्त की बड़ी खबर, दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं है। 1966 में सायरा बानो से शादी हुई थी, जो खुद एक बड़ी अभिनेत्री थी अपने समय की, और जब इन दोनों की शादी हुई तब उम्र का फासला जरूर था लेकिन आखिरी समय तक अगर किसी ने साथ दिया, साथ निभाया, तो सायरा बानो थी। और दो दिन पहले जो हेल्थ अपडेट आया था उसमें सायरा बानो ने इस बात का जिक्र किया था कि तबीयत में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, दुआ कीजिए कि एक बार फिर से उनकी मुस्कुराती तस्वीर देखने को मिले। और जब भी दिलीप कुमार अस्पताल जाते थे सायरा बानो उनके साथ होती थी और हेल्थ पर जो भी अपडेट होता था वो सायरा बानो के जरिए ही आया करता था। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, इस वक्त मौजूद है मुंबई में दिलीप कुमार के घर के बाहर से ही। विकास, हलचल क्या है वहां पर? राकेश, देखिए एक बियाबान सन्नाटा इस समय पसरा हुआ है दिलीप कुमार के घर पे। जब से ये खबर आई है आप देख सकते हैं किस तरीके से हर कोई गमगीन है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वाले थे, पुलिस के लोग आए थे, वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि प्रशंसक बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर इकट्ठे ना हों, लेकिन वो यहाँ से अब धीरे धीरे जा रहे हैं। इंतज़ार है अब दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर का। हमें ये बताया गया है कि मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अभी भी उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और हो सकता है कि 11 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा, जिसके बाद जो जनाजे की नमाज होती है वो अदा की जाएगी यहाँ पर और उसके बाद सांता क्रूज के कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ये इनके घर से फिलहाल ये जानकारी मिली है। ये घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुंबई के बांद्रा में जो पाली हिल नाम का इलाका है यहीं पर दिलीप कुमार रहा करते थे। यहाँ से हिंदुजा अस्पताल की दूरी ज़्यादा नहीं है, लिहाजा जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो यहीं से उनको हिंदुजा अस्पताल एडमिट किया जाता था। 8 दिन से वो हिंदुजा अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन जब वो स्वस्थ होकर लौटते थे तो यहीं लौटते थे, यहीं पर उनकी तीमारदारी होती थी। सायरा बानो और दिलीप कुमार दोनों इसी रेसिडेंस पे रहा करते थे। आप देख सकते हैं सॉलिटेयर नाम का, ये दरअसल एक बंगलों का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर दिलीप कुमार का निवास स्थान था। फिलहाल इस समय मातम पसरा हुआ है यहाँ पर, जो कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी सख्ते में हैं, वो इस बात को पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनके दिलीप साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में। उन्होंने आज सवेरे 7:30 बजे अपनी अंतिम सांसें ली हैं और अब उनके अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर हम जब थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचेगा। विकास, जो आधिकारिक तौर पर इस बुरी खबर की जानकारी दी गई खुद दिलीप कुमार साहब के ट्विटर हैंडल से, फैजल फारूकी जो कि उनके पारिवारिक मित्र हैं उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। जी बिल्कुल, देखिए उनके मौत की पुष्टि जो हमको की गई है वो डॉक्टर जलील पारकर ने की है। जलील पारकर ये वही डॉक्टर हैं
जो बीते कई सालों से उनका इलाज कर रहे थे वो उनके हर मर्ज से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो देख रहे थे कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनमें उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार आ रहा है, या स्वास्थ्य अगर गिर भी रहा है तो उनका इलाज अमूमन क्या होना चाहिए। डॉक्टर जलील पारकर देख रहे थे हिंदुजा अस्पताल के, उन्हीं के निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। और उन्होंने ही आज औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि हमें की कि दिलीप साहब ने 7:30 बजे आज अंतिम सांसें ली। अभी कुछ कागजी औपचारिकताएं अस्पताल में हो रही हैं, जिसके बाद यहां पर इस रेसिडेंस पे उनका शव लाया जाएगा और उसके बाद जनाजा जो है यहीं से निकलेगा। कुल मिलाकर ये बहुत गमगीन खबर है लोगों के लिए, क्योंकि एक युग का अंत माना जा रहा है। दरअसल दिलीप कुमार साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक युग का नाम था, एक वक्त था। और आज जब उनकी मौत की खबर आई है तो उनके तमाम प्रशंसक जो हैं वो काफ़ी सकते में हैं, गमगीन हैं। लोग अभी भी इस बात को यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी वो अस्पताल जाते थे हमने देखा कि 5-6 दिन में इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर वापस आ जाते थे। हालांकि बीते 2 महीनों में ये ज़्यादा बार हो गया, उनको 3 बार से ज़्यादा जो है अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें नॉर्मली ठीक है। विकास, मैं आपको रोकता हूं, एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। दिलीप कुमार जी को हमेशा याद किया जाएगा, वो एक लेजेंड अभिनेता रहे हैं और अलग उनकी अद्भुत अभिनय क्षमता थी और इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मुकेश खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मुकेश खन्ना साहब, आज सुबह की सबसे बड़ी और बुरी खबर है, अपनी अदाकारी से सबको रुलाते थे लेकिन आज भी हिंदुस्तान रो रहा है और वजह यह है कि अब दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं है। जी, मुझे नींद से उठाया गया, मैं बीच में कितने फोन आ रहे थे, मैंने कहा पता नहीं कौन कर रहे हैं फोन, फिर मैंने एक फोन उठा लिया और फिर ये दुखद खबर सुनने को मिली। मैं तभी से मैं 15 मिनट से यही बात कर रहा हूँ, ये एक लॉस है हमारी इंडस्ट्री का, ये जो कभी भी मतलब उसको पूरा नहीं किया जा सकेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी इंडस्ट्री का ये कोहिनूर का हीरा हमने खो दिया है, इसकी इनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। आपने सही कहा कि हम बीच में सुन रहे थे कि हॉस्पिटल जाते थे फिर छूट के आ जाते थे, हम कभी कभी मतलब मुझे भी कई कहना पड़ता था कि मौत को उन्होंने बहुत देर तक उनका सामना किया है, 98 ईयर्स तक जीना, हमारी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा वयोवृद्ध नेता हम अभिनेता माने जाएंगे उनके नाम पर, 98 100 तक चले जाते। मैं तो चाहता था कि 100 उनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक अचीवमेंट हुआ करती थी, लेकिन खुदा जो है वो भगवान जो है वो एक मिनट आपको ज्यादा नहीं देगा जब तक आपको जीना होता है, और वो जिया उन्होंने, और उन्होंने लाइफ जी है, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी लाइफ जी है, द रोल्स किए हैं, जिस तरह की फिल्में की हैं जो अविस्मरणीय है, मतलब आप उसको भूल नहीं सकते, ऐसी फिल्में चाहे वो अंदाज हो, मेला हो, आन हो, मुगले आजम हो, शहीद हो, आजाद हो, यू नो आप कोई भी फिल्म, इवन टू द लास्ट सौदागर जिसमें मैं उनका लड़का बना, ये भी मेरा एक सौभाग्य है क्योंकि मैंने वो मुश्किल से वो फिल्म हाँ कही थी, मैं महाभारत पीक टाइम पे थी उस वक्त, और मुझे सुभाष जी ने बुलाया तो मैंने कहा आपकी फिल्म में यूसुफ भाई भी हैं, आपकी फिल्म में राजकुमार भी है, मुकेश खन्ना क्या करेगा आपकी फिल्म में, बिकॉज मुझे मालूम था कि उनके सामने कोई कुछ नहीं हो, बोला नहीं नहीं यू आर प्लेइंग द एंग्री सन ऑफ दिलीप साहब, यू नो एंड ही कन्विंस्ड मी टू डू इट एंड आई हैव सीन हिम, मैंने उनको नजदीक से देखा है। और आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया मुकेश साहब, आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल्चरल वर्ल्ड के लिए यह सबसे बड़ा नुकसान है और इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, और वाकई अंदाज की बातचीत करें, आन, देवदास, आज़ाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति, कर्मा, सौदागर, जिस फिल्म का आपने आज जिक्र किया, और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तब की थी दिलीप कुमार ने स्वतंत्रता के पहले, जब फिल्म देखने वालों का एक वर्ग काफ़ी सीमित हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद 5 दशकों तक फिल्में करना, 60 से करीब 60 के आसपास फिल्में करना, और हर फिल्म की अपनी एक अलग पहचान। सही बात है, बहुत सही बात है। उनके ना उन, उनका मैंने जैसे कहा ना इंस्टीट्यूशन अपने आप में थे, उस वक्त आए थे जब एक्टिंग की स्टाइल्स थिएट्रिकल हुआ करती थी, आप क्या आइए ना बैठिए ना कहाँ जा रहे हैं आप, उसके बीच में एक दिलीप साहब आए नेचुरल एक्टिंग को लेके, आइए बैठिए क्या है, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जाना चाहते हैं आप, एक एक्टिंग का जो स्टाइल शुरू किया, मैं समझता हूँ आज के हर एक्टर में कहीं ना कहीं उनकी छाप मिलेगी आपको। मुकेश साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपने एक फिल्म में सौदागर में आपने उनके बेटे का किरदार निभाया, उस दौरान बातें क्या होती थी, किस तरीके से उनका व्यवहार अपने जो जूनियर आर्टिस्ट होते थे या फिर जो को एक्टर्स होते थे, कुछ उनकी बातें अगर आप शेयर करना चाहें।
देखिए मैं यही कह दूं कि जिस सेट पे भी वो रहते थे वो पूरा सेट यू नो उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड या आकर्षित रहता था, सबसे बातें करते थे यूनिट के मेंबरों से, कैसी हो गई, तुम क्या रहा है तुम्हारा, कहाँ है, ये है, खाने पीने का शौक, मतलब ऐसे हम लोग कुल्लू मनाली में शूट करते थे तो वहां पर बैठ के कुछ खाते थे, तो वो भी उनको खाने का इतना शौक था और वो छुपा के, मतलब शायद सायरा जी भी थी वहां पर शायद, और बोलते थे देखो वो देख तो नहीं रही है, और उनको खाते रहते थे, उनका शौक था, उन्होंने लाइफ जी है। और अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने क्या, मुझे तो सौभाग्य मिला उनकी पूरी जिंदगी की कहानी उन्होंने मुझे सुना दी सुभाष गई की एक रीटेक में, 19 रीटेक किए थे हम लोगों ने एक शॉट के, हम झाड़ी के पीछे जाते थे और फिर वो बोलता था ओके एक्शन, हम चल के आते थे, तो हम जब पीछे वेट करते थे यूसुफ भाई ने, मैंने कहा ना बोलने का उनको बहुत शौक था, इतना अच्छा बोलते थे, आपने कान नहीं हटा सकते, वो क्या है कि हम पहले हमारे फलों की दुकान हुआ करती थी वहां से शुरुआत करके फिर उन्होंने सब कुछ मुझे, और हम वापस जाते थे और मैं भी बोलता अच्छा फिर क्या हुआ आगे क्या हुआ यूसुफ भाई, पूरी कहानी उन्होंने सुना दी थी, एंड आई वॉज यू नो इट शोड दैट दिस हियर इज एन एक्टर जो जिंदगी को जीता था, ये एक्टर जो अपनी प्रोफेशन को जीता था, डायलॉग्स रात को 2:30 बजे कॉरिडोर में घूमते रहते थे, और मुझे याद है मुझे मुझे अपना सुभाष गई ने कहा मुकेश रात को फोन आता है और लाले ये डायलॉग मैं ऐ कर देवा, मैं उस तरह से ऐ कर देवा, और सुभाष जी बोलते थे दिलीप साहब आप सो जाइए ना मैं कल संभाल लूंगा यू नो। और आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं मुकेश साहब, वाकई इन बातों को सुनकर लगता है कि कितने जीवट इंसान थे, कितने खुशनुमा इंसान थे। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाइए तो एक का तस्वीर पिन करके रखी हुई है, ट्विटर पर लोग पिंड ट्वीट करते हैं, उसमें लिखा हुआ है द ऑल टाइम फेवरेट पिंक शर्ट उन्हें काफी पसंद थी, ये पसंद भी दिखाती है कि वो कितने खुशनुमा इंसान थे। करेक्ट, बहुत खुशनुमा जिंदगी से प्यार करते थे, मैंने कहा ना खाने से प्यार करते थे, डायलॉग बोलने से प्यार करते थे, बातें करने से प्यार करते थे, इज्जत से बात करते थे, स्माइल चेहरे पर होती थी हमेशा उनकी, और कोई मैंने ये कहा कि वो जिंदगी रियली, और एक देखिए एक और मैं खासियत बताना चाहूंगा उनके बारे में जो आज के एक्टरों को सीखना चाहिए, मुझे एक बार कहा था मुकेश इस इंडस्ट्री में ना करना सबसे डिफिकल्ट होता, जिसको ना करने को आ जाए ना वो आदमी अच्छे काम करेगा। यूसुफ भाई दिलीप साहब एक साल में एक फिल्म करते थे, इसका मतलब है वो कम से कम क्या उनको ऑफर नहीं होता होगा, बल्कि एक फिल्म तब चूज करते, लॉरेंस ऑफ बोले और अरेबिया छोड़ दी उन्होंने, उनको ऑफर हुआ था पर उनको पता था कि यहाँ पर अनक्राउंड किंग है, वहां पर जाके सेकंड क्लास सिटीजन बनना पड़ता हॉलीवुड की फिल्म है, उन्होंने बोला मैं वहां क्या कर रहा हूँ, मैं यही चीज मैंने उनसे सीखी है। आज मुझे कोई भी साइन करना बात करता है, चाहे बड़ा डायरेक्टर हो चाहे छोटा डायरेक्टर हो, मेरा पहला सवाल होता है मैं क्या कर रहा हूँ इस फिल्म में, ये शायद मैंने उनसे सीखा है अनजाने में उनसे। मैंने इवन सौदागर में कहा था, मैंने कहा सुभाष जी दिलीप साहब आपकी फिल्म में, राजकुमार जी आपके फिल्म में, मुकेश करना क्या करेगा, तो ना करना मुझे भी अगर आ गया है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मैंने दिलीप साहब की करियर को देख के मैंने सीखा है, उनकी एक एक फिल्म को अवार्ड मिलता था, एक साल में आपने नाम गिनाए फिल्मों के, आप देखिए हर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए जाती थी। ठीक है, चलिए मुकेश साहब हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने उनकी यादों को ताज़ा किया है, जो यादों को शेयर किया है, जब फिल्म में आप उनके बेटे का किरदार आपने निभाया क्या उस दौरान बातें होती थी। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा ऐसी खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल राकेश, देखिए एक कहावत है कि आदमी कितना बड़ा है ये आप तय कर लीजिए उसके जनाजे में आने वाली भीड़ को देखकर। इस समय पुलिस की चिंता वही है। मैं इस वक्त मुंबई के बांद्रा स्थित दिलीप कुमार के घर पे हूँ जहाँ से उनका जनाजा निकलना है, उनके पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, मैं रोकता हूँ विकास, मैं आपको रोकता हूँ। रवि किशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, ये आज की सुबह की सबसे बुरी खबर है दिलीप कुमार का जाना। जी बहुत बड़ा अध्याय, एक्टिंग की बहुत बड़ी इमारत, मतलब जिनके हम सब लोग कायल थे। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान सिनेमा में दिलीप साहब के बाद जितने भी कलाकार आए जो न्यू एंट्रेंट रहे उन्होंने उनको कॉपी किया, उनको जिया या उनके उनके लिविंग लाइफस्टाइल को से प्रभावित हुए। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा
बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म प्रोड्यूस की थी भोजपुरी, अब तो बंजा सजन वहां हमार, और आउटडोर में काफी समय बिता उनके साथ, म्यूजिक सेटिंग में, स्क्रिप्ट में, वो स्क्रिप्ट को बहुत मानते थे और बहुत बहुत कुछ सीखा उन्होंने। मैं वो मेरे साथ तो 8 महीने का दौर, 9 महीने का था, उनके घर अक्सर हम आते जाते रहते थे, लेकिन उन्होंने जब फिल्म बनाई तो उस वक्त हम काफी करीब हुए। बहुत सारी एक्टिंग की बारीकियां बताई थी उन्होंने मुझे, और अपनी लाइब्रेरी को दिखाया था जहां पर अनगिनत लाखों किताबें जो पढ़ते थे, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। जब मैं लास्ट जब वो हमारे साथ फिल्म कर रहे थे तो वो कहते थे रवि मैं फर्शियन बोलता हूँ लेकिन अब मैं लिखना सीख रहा हूँ, तो पढ़ा करो रवि अगर आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हो, काबिल एक्टर बनना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, जितना पढ़ोगे उतनी आप एक्टिंग की समझ, उतनी मैच्योरिटी, गंभीरता होगी। एक किस्सा उन्होंने बताया था हमको अपना कि उनके फैमिली डॉक्टर को बाकायदा उनको बोलना पड़ा था कि सुनिए दिलीप साहब आप लाइटर फिल्में करें, आप डार्क फिल्म इतनी मत करें नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो इतना डूब जाते थे, तब उन्होंने बैराग और गंगा जमुना वो सारी फिल्में करनी शुरू की, खुशनुमा फिल्में शुरू की। तो इमेजिन की कितने गंभीरता से वो डूबते थे कि उनको किरदार से निकलने में, जहां पर डॉक्टर्स वगैरह को लगा था कि अब बहुत मुश्किल होगी, देवदास वगैरह के दौरान की बात कि अब ये ऐसे एक्टर, ऐसे लेजेंड, ऐसे लोग और ऐसा ऐसा महानायक कलाकार का ऐसे अभिनय की पाठशाला, अब मुझे नहीं लगता दिलीप साहब या दिलीप कुमार जैसा कोई कलाकार हिंदुस्तान। निश्चित तौर पर रवि किशन जी, जो बातें आपने कही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की, कल्चरल वर्ल्ड के लिए एक बड़ा नुकसान, और जो बातें जो आपने यादें शेयर की हैं, लीजेंड्स कभी इस दुनिया को छोड़कर जाते नहीं, वो हमेशा हमारी यादों में रहते हैं, ये बातें इससे साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी हमसे जुड़ने के लिए। विकास का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, विकास दिलीप कुमार साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। विकास, एक जानकारी और, अभी उनका पार्थिव शरीर अस्पताल में, हिंदुजा अस्पताल में है, कितनी देर में वहाँ से घर लेकर आया जाएगा? राकेश, इंतजार हो रहा है, अंदाज़ा ये लगाया गया है कि 11 बजे तक रेसिडेंस पर आ जाएगा उनका पार्थिव शरीर, उसके बाद यहाँ पर जनाजे की जो नमाज है वो अदा की जाएगी, और उसके बाद यहीं से इस दिशा में सांता क्रूज की तरफ जो कब्रिस्तान है वहाँ पर ले जाया जाएगा जनाजा, और वहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन इसमें 11 बजे तक का वक्त लग सकता है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गहमा गहमी थोड़ी बढ़ गई है, आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर बियाबान सन्नाटा था, सारे लोग जो थे वो गमगीन दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप देखिए अब ये चिंता है पुलिस की कि प्रशंसक यहाँ पर बहुत मात्रा में जुटने ना लगे। निश्चित तौर पर कोरोना का भी समय है, कोविड गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर विकास, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तस्वीरें दिलीप कुमार के घर के बाहर से हैं, जहां पर पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी होने लगी है, पुलिस के जवानों की मौजूदगी होने लगी है। करीब 11 बजे के आसपास दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा उनके घर पर। अरुण गोविल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरुण गोविल साहब, कैसे याद कर रहे हैं आप दिलीप कुमार साहब को? अरुण जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अरुण जी, दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, कैसे याद कर रहे हैं आप जी? हाँ, दिलीप कुमार हमारे आज याद करने वाली बात नहीं है, दिलीप कुमार तो हमारे मन से कभी गए नहीं, तो नहीं आज की बात इसलिए कि कोई एक बात, चूंकि हम लीजेंड्स कभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते, प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही, कोई एक याद जो आप हमसे और दर्शकों से शेयर करना चाहें? मैंने फिल्में देखना जो शुरू किया था वो दिलीप कुमार साहब की फिल्म से किया था। मैंने जो उनकी सबसे पहली फिल्म देखी थी वो थी शहीद, और उस फिल्म को भी मैंने कई बार देखा, और उसके बाद उनकी जितनी भी फिल्में आई वो सारी फिल्में मैंने देखी। मैं बहुत बड़ा उनका फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज अल्टीमेट एज फार एज एन एक्टर इज कंसर्न, मे बी शायद वो ट्रेजिडी रही हो या कॉमेडी रही हो या एक्शन रहा हो या ड्रामा रहा हो, आई मीन फिल्म्स लाइक देवदास, गंगा जमुना, राम और श्याम, शक्ति, सौदागर, अमर, ये सब फिल्में कौन भूल सकता है उनको, ये वो अल्टीमेट। और मुझे लगता है हम जितने भी एक्टर्स इस फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं कहीं ना कहीं दिलीप कुमार साहब से मुतासिर जरूर होते हैं, उनसे इंस्पायर जरूर होते हैं, और बहुत सारे तो हमारे एक्टर्स ऐसे हैं जो स्टार भी हैं इस समय, उन्होंने लिटरली दिलीप साहब को उन्होंने कॉपी भी किया जी।
तो ही वॉज सच ए ग्रेट एक्टर और उनसे कई बार मिलना हुआ, काम मैं नहीं कर पाया उनके साथ, मेरे लिए ठीक है। अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सबसे बड़ी और बुरी खबर, दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।